सो गाइस यार, आज हम आए हैं एक हवेली देखने के लिए। जैसे कि आपको पता है, हमारी जो शेखावाटी है वो हवेली के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और यहाँ पर अनेक से अनेक हवेलियाँ पाई जाती है। इसी वजह से जो बहुत सारे टूरिस्ट हैं यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, और आए भी क्यों नहीं। यहाँ की जो बेजोड़ जो आकृति है, जिस तरीके से बनाई गई है, उसके लिए लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। दोस्तों, शेखावाटी में वैसे तो बहुत सारी हवेलियाँ हैं, बहुत सारी हवेलियों से फेमस है, लेकिन आज मैं आपको शेखावाटी की जो सबसे बड़ी हवेली है उसके बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये जो हवेली है, ये आज हम आए हैं भक्तों की हवेली में। इस हवेली का जो इतिहास है वो बहुत ही एक राजाशाही इतिहास, ये बहुत ही पुरानी हवेली है। इसे भक्तों की हवेली कहा जाता है क्योंकि पुराने समय में जो राजा महाराजा थे, उनके जो तो संत महात्मा हुआ करते थे, वो यहाँ पे विश्राम करते थे। और ये जितनी हवेली आगे से बड़ी दिख रही है, उतनी ही पीछे से भी बहुत बड़ी हवेली है। और ये तकरीबन 200 से 300 साल पुरानी हवेली है। ये जैसे कि आप इसके देख सकते हैं, इसके ये वहाँ तक फैली हुई है जो दिख रहा है आपको, यहाँ तक ये हवेली है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ज़मीन से तकरीबन 7 से 8 फुट अभी की ऊंचाई है। और ये उस समय तो पता नहीं फिर कितनी ऊंची इसको बनाया गया होगा, अभी भी ये नॉर्मल जो रोड है उससे तकरीबन 7 से 8 फुट ऊंची है। ये 2 तल्लों में बनी हुई है। ये फर्स्ट फ्लोर हो गया इसका, ये इसका सेकेंड फ्लोर है, उसके ऊपर छत है। चलिए देखते हैं अपन इस हवेली के अंदर क्या क्या है। मैं खुद आज पहली बार आया हूँ, तो यहाँ पर ये एक फैमिली रहती है बहुत पुराने समय से। पहले इनके दादा परदादा यहाँ रहा करते थे, अभी उनके बच्चे ये हवेली संभाल रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो ये हवेली की जो ये बहुत ही पुरानी है। इसकी अंदाज़ा तो आप इसकी पट्टियों से लगा ही सकते हैं क्योंकि ये कितनी कितनी काली पड़ चुकी है अभी तक। ये हवेली का सेकंड गेट है। ये जो कलाकारी दिखाई गई है ना पहली वाली पुराने टाइम की, ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि यार ये आज के समय में बननी शायद बहुत ही मुश्किल है। और पहले की हर एक हवेली के अंदर आपको ऐसी ही कुछ नक्काशी मिल जाएगी। चलिए प्रवेश करते हैं हवेली के अंदर। दोस्तों, जैसे कि ये जो है, ये इसका आगे वाला चौक है। इसके दो चौक है, एक तो ये जब भी आपको दिखाया था वो, ये कि नेक्स्ट वाला चौक है। यहाँ पर वैसे कम ही आने दिया जाता है। ये अपनी शेखावाटी की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी हवेली है। यहाँ पर देखो, चमगादड़ों ने अपना डेरा डाल रखा है। एक मूवी आई थी बिरणी हो तो ऐसी, उसकी शूटिंग भी यहीं पे हुई थी, जो कि उस पहले वाले चौक में हुई थी। आप देख सकते हैं, एक पुरानी फिल्म है जो 90s की शूट हुई है, बिरणी हो तो ऐसी, अपनी राजस्थानी लोक फिल्म है। और ये इसका जो सेकंड चौक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मधुमक्खियों ने अपना डेरा डाल रखा है। जब भी मैं कोई हवेली देखता हूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि यार ये इतनी बेहतरीन तरीके से बनाई कैसे गई होगी। और मुझे लगता है कि इस हवेली को देखते हुए कि
तकरीबन इसको बनाने में 5 से 6 साल लगे होंगे। इस हवेली में जो आपको ये रूम्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे ठहरने के लिए बनाए गए थे उस समय। यहाँ पर संत लोग ठहरा करते थे। और इस पूरी हवेली के अंदर अगर बात की जाए तो ऐसे तकरीबन 100 कमरे बनाए गए हैं। चलिए देखते हैं किसी एक रूम के अंदर चल के। ये बहुत आगे शायद जाना सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं क्योंकि बहुत सारी चमगादड़ें यहाँ इधर है। फिर कोशिश करते हैं अपन। ऐसे चमगादड़ों ने अपना डेरा डाल रखा है यहाँ पे। रूम्स के अंदर रूम्स बने हुए हैं सबसे बड़ी बात। अरे यार ऐसा ये रूम है, इस रूम के अंदर रूम बना हुआ और उसके पीछे भी एक गेट लगे हुए हैं जो शायद पीछे जाने के लिए, पीछे इसमें पहले गार्डन हुआ करता था। और बताया जाता है कि इस हवेली के अंदर कुछ ऐसे खुफिया दरवाजे हैं जो खजाने की तरफ ले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे रूम्स हैं, तकरीबन 100 के आसपास यहाँ पर रूम्स हैं। और कुछ देख सकते हैं आप इसके अंदर थोड़ा जूम करके। यहाँ पर नॉर्मली ये जो रहते हैं ये भी यहाँ पर आगे ज़्यादा नहीं आते हैं। यहाँ पर वैसे ही जो पुरानी जो हवेलियाँ थी हर सुख सुविधाओं से लैस थी। अब तो यहाँ पर सिर्फ चमगादड़ों का ही डेरा बना हुआ है। सो अभी हमने इन अंकल से रिक्वेस्ट करी है और ये हमें अभी ऊपर की साइड ले जा रहे हैं। बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ हैं। वो अभी लॉकडाउन में कुछ लोग आए थे घूमने के लिए जिनको मधुमक्खियों ने काट लिया था। देख सकते हैं यार अभी तो ये पूरी हवेली जर्जर पड़ी है। पहले की हवेली के अंदर ऐसे छोटे छोटे ये बनाए जाते थे ताकि सामान एक्स्ट्रा सामान में रख सके। एक ये है, और ये इसकी छत है जो वाकई में बहुत ही शानदार बनाई गई है। पहले वाले लोग जब कोई चीज तैयार करवाते थे तो उसमें पूरे तन मन और धन से उसमें पैसे लगाते थे। ये जो चौक है ये इसका पहला चौक है और इसमें वो मूवी की शूटिंग हुई हुई है। इस हवेली में टोटल 2 चौक है, एक तो पहले वाला ये जो दिखाया मैंने ये, और सेकंड जो ये। अच्छा छत के ऊपर भी देखो, इसमें ऊपर जाने के लिए छत है और इसके टोटल शायद 3 फ्लोर हो गए ना, क्योंकि इसका सेकंड फ्लोर और इसका थर्ड फ्लोर है। नीजर स्पीडियस से ऊपर ऊपर जा सकते हैं। और तकरीबन इसके अंदर 100 से भी शायद ज़्यादा ही कम मुझे लगता है कमरे होंगे। और पहले वाले जो लोग जो डिज़ाइन मुझे सबसे प्यारी थी जिनकी ये लगती है, जैसे कि ये जो डिज़ाइन है उसमें बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के उन्होंने इतने अच्छे से यार बना कैसे ली। और बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी ये वैसे कि वैसे हैं बिल्कुल। कोई भी अच्छा ये इसमें देखो एक चूल्हा लगा रखा है, शायद ये पहले के समय किचन रहा होगा। अच्छा ये पहले के समय रसोई थी। देख सकते हैं आप पहले के लोग इस तरीके से। और ये मिट्टी का चूल्हा है जो पहले के समय काम में लिया जाता था। ये शायद कुछ डालने के लिए लगा रखा है यहाँ पे। ये छोटे छोटे
अच्छा, ये रोटियां डालने के लिए होता था पहले। और ये स्टोर रूम है इसका। स्टोर रूम आप तो आपने तो बड़ा रूम हुआ है। हाँ बिल्कुल। लिया जगह देख ले। सही है। जो शहरों में जो फ्लैट होते हैं, शहरों में जो फ्लैट होते हैं उनके तो अभी एक रूम इतना बड़ा होता है, जो 2 BHK 3 BHK फ्लैट होते हैं उनमें वो भी इतने बड़े नहीं होते। सही है। उसमें पहले की हवेलियां तभी तो लोग देखने आते हैं। एक बेड, अब वो रूम में तो बेड का ले, सोफा का ले, अलमारी का ले, सब का ले। सही सब बिल्कुल मेरे भी जगह है इसी। और इसी एक रूम के एक तो ये गेट हो गया, एक गेट ये है, एक गेट ये है, एक गेट ये है, तीन तो इसमें गेट है और बाकी विंडो है, 2 विंडो है, एक ये रही और एक ये रही। तो कहने का मतलब है सिर्फ किचन किचन के अंदर उन्होंने इतनी फैसिलिटी दे रखी है कि आपको सवाल ही नहीं है कोई कोई भी मुश्किल हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम आए। और इसी तरीके से सारे रूम्स है ये बनाए गए हैं, सारी फैसिलिटीज से लैस थे। और जो छत के बाहर जो ये गलियारा दिख रहा है ये साइड में टहलने के लिए बनाया गया था, पूरी छत पर ये फैला हुआ है देख सकते हैं आप। और हवेली के साइड में भी एक इनका ये बालकनी, चाहिए पहले की बालकनी होती थी ना। ये हवेली का जैसे जो विस्तार है ये बहुत ही बड़ा है, जैसे कि मैंने बताया था आपको ये बहुत ही यहाँ से थोड़ा डैमेज हो रखा है इसका ना, छत गिर गया लगता है इसकी। देख सकते हैं आप ये भी ठहरने के लिए जो रूम्स दिख रहे हैं ये भी ठहरने के लिए बनाए गए थे। ये रूम बनाए वो नीचे पूरे सारे ठहरने के लिए बनाए गए थे। और वो उनकी जो छत दिख रही है छत, अच्छा ऊंट घोड़ा ये रखे करता ना। तो जिस हिसाब से वो अवेलेबल गेट है वे हिसाब से लागे गेट है, हाथी वगैरह भी रखता रथ वगैरह सब आना। अच्छा इनका जितने भी कमरे हैं इसमें सारों का गेट बाहर की साइड भी दे रखा है इन्होंने। बालकनी में खुले गेट, गेट। हाँ मेन गेट बालकनी में खुलते हैं सारे। यार कलाकारी चीज बनाई गई थी पहले, गजब ही भाई। मकर संक्रांति के टाइम मजा आता है यहाँ पे, लोग पतंग उड़ाते हैं छत पे आके। यहाँ आसपास में जितना भी अभी भी कितनी पुरानी हवेली होकर भी आसपास में सबसे ऊंची छत है वो इसी हवेली की है। देख सकते हैं हमारे नवार यार अपना क्षेत्र से कवाटी है ना, वो हवेलियों के लिए तो फेमस है। अंग्रेज देश दूसरे देश छोड़ छोड़ के यहाँ पे आते हैं सिर्फ ये हवेलियाँ देखने के लिए। जैसे आपको दिख रही है जो हवेलियाँ हैं ये भी पुरानी हवेली है, बहुत पुरानी हवेली है, वो भी पुरानी हवेली है। ये जो मंदिर दिख रहा है ये भी भक्तों का मंदिर है। ये जो हवेली दिख रही है वो उसका नाम क्या है, ये गेर का भी मंदिर था पहले, अभी भी है मतलब। तो ये इसका 3rd फ्लोर है इस हवेली का। और यहाँ से पूरा का पूरा ये नवलगढ़ एरिया दिखता है सारा। सबसे बड़ी बात तो ये कितने सालों होने के बावजूद भी ये वैसे की वैसी पड़ी है। और अपन अभी कुछ कोई भी आज के जो मकान वगैरह बनते हैं कोई बना हुआ तो विगत 2 साल बाद में दरार डाल। हाँ वही तो बता रहा हूँ ना कि आज के अगर कुछ भी कोई मकान बनवा ले तो उसमें थोड़े दिन बाद वो डैमेज होने लग जाता है, उसके दरारें चल जाती है, पानी टपकने लग जाता है। लेकिन ये इतनी पुरानी हवेली होने के बावजूद भी आज भी वैसी की वैसी खड़ी है। और अपने दानी कितने भूकंप आ गए कुछ फर्क नहीं पड़ता इसके। आर्किटेक्ट तो पहले के थे, अब वाले के आर्किटेक्ट है। ये पीछे का इसका वो ये इस हवेली का जो पीछे की साइड है। अच्छा ये हवेली मतलब एक बाउंड्री बनाई गई पहले चारों और उसके बीच में ही हवेली का निर्माण कराया गया था। जैसे कि देख सकते हैं पहले यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक गार्डन था। गार्डन
देख सकते हैं ये जो पहले ये इससे बन रखा है, ये इतनी अच्छी चीज़ें मतलब बनाई गई थी यार, पूरे तरीके से बनाए गए थे एकदम। हवेली का जो ये पार्ट है थोड़ा डैमेज हो चुका है, वरना पहले वहाँ भी रहने के लिए मतलब फुल ऑफ स्पेस था इन हवेलियों के अंदर, रहने की तो कोई से कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी कि कहाँ रहें। इसमें बता तो रहा हूँ आपको कि लग तकरीबन 100 से भी ज़्यादा कमरे होंगे, और मुझे नीचे वाले साइज मैंने काउंट नहीं किए, इन सबको मिला कर तो ये साइड 150-200 के पार जा रहे हैं। पहले की हवेलियों में कितनी मोटी मोटी दीवारें बनाए करते थे ना, अब तो ये इम्पॉसिबल है। मतलब उस समय बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, बिना कोई जैसे भी वगैरह उस टाइम तो हुआ नहीं करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इतने जो पत्थर दिख रहे हैं आपको ये सारे इतने ऊंचे ऊंचे पता नहीं कैसे रख दिए होंगे यार, ये अपने आप में सच में एक सोचने लायक बात है कितने अच्छे तरीके से उन्होंने इसको बनाया। ये जो है ये हवेली का ये राइट साइड वाला है गार्डन है, और यहाँ के अंदर देखो देख सकते हैं आप, अभी तो नहीं रही लेकिन फिर भी उनका अभी भी थोड़े थोड़े ये बाकी हैं। देखो ये क्यारियाँ बनाई गई थी यहाँ पर पहले, और बीच के अंदर यहाँ पर एक फाउंटेन हुआ करता था। और ये जो चीज़ है ना, ये जो साइड में बाउंड्री दिख रही है इसके, ये मुझे समझ में आई उस समय शायद बैठने के लिए बनाई गई होंगी, क्योंकि उस समय के लोग जब शाम को या फिर कभी भी जब छत पे आते थे तो उनके लिए बैठने के लिए शायद ये बनाया गया है। अभी सारे रूम्स तो इस हवेली के मैं नहीं देख सकता, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा ये खतरे से खाली नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश की अपन ने, जितना उन्होंने बताया मैं सिर्फ जहाँ तक बताया वहीं तक मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मधुमक्खियों ने यहाँ पर अच्छा खासा अपना डेरा जमा रखा है, और देखो कैसे अभी भी उड़ ही रही है। उसमें ज़्यादा इनके पास अभी नहीं जाऊँगा। अब ये जो है ये इस हवेली का ये फ्रंट साइड है, तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये इस हवेली का फ्रंट साइड है। यहाँ पे यहाँ से जो मेन एंट्रेंस है वो ये है, देख सकते हैं आप, अभी मैं ज़्यादा आगे नहीं जा सकता, ये बहुत कमाल की चीज है यार। देख सकते हैं पहले के लोग इन सब के अंदर, ये शायद पहले की जमाने की वो जो चलनी होती जिसमें आटा जो अपन आटा छाना करते थे, ये वो है, ये पहले के जमाने का जो जो मसाला वगैरह डालने का होता था ये वो है। तो अभी हम चलते हैं नीचे, इसमें साथ साथ में थोड़ी स्मेल से भी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर चमगादड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं किसी रूम के अंदर भी नहीं गया जो उन्होंने बताया था, मैं सिर्फ उसी रूम में गया हूँ, क्योंकि यहाँ चमगादड़ बहुत ही ज़्यादा है और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो जाए, इसलिए मैं सिर्फ अभी बाहर ही जाने वाला हूँ। जैसा कि देख सकते हैं आप ऊपर चमगादड़ बहुत ज़्यादा है, और मैं बिल्कुल बच कर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ चमगादड़ों ने तो अपना देख सकते हैं जैसे भी आप अमेरिका जो ये पार्ट है ये सच में यार बहुत ही एक डरावना से भी है, क्योंकि पता नहीं इन कमरों में क्या क्या रख रखा है, अंदर जाना शायद सही नहीं होगा, लेकिन सच में यार बहुत ही यहाँ पर स्मेल से भी आ रही है। चलिए चलते हैं आपस बाहर की तरफ। हवेली का सिर्फ ये पार्ट ही सही है यहाँ पर। अभी हम इस हवेली का जो पहला चौक है उसके छत पे चल के देख रहे हैं, जैसे आपको मैंने दिखाया ये सेकंड चौक का दरवाज़ा है, और ये हवेली का जो पहला चौक है उसके छत पे जाके हम देख रहे हैं, जहाँ पर शूटिंग हुई थी उस मूवी की।
बिरयानी हो तो ऐसी। जो भी मैंने आपको जो छत दिखाई थी वहां पर वो गाना शूट हुआ था, पतंग उड़ा रे छोरा पतंग उड़ा वाला। इन हवेलियों की सबसे अच्छी बात तो ये यहाँ पर वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा गया था, क्योंकि यहाँ पर हवा का जो फ्लो है वो अच्छे तरीके से, मतलब अगर आपने सारे दरवाजे खोल लिए तो फिर ये हवा मैली बन जाता है पूरा। ये पूरा गलियारा था और ये यहाँ पर अलमारियाँ ही बनाई गई थी। ये जो गैलरी देख रहे हैं ये पूरी, इस पूरी गैलरी में शूटिंग हुई थी उस मूवी की, इन्हें हो तो ऐसी। हाँ ये जो गैलरी है ये उसमें कुछ सीन हैं जो इस गैलरी के हैं, ये जो रूम है इसके कुछ सीन फिल्माए गए हैं। चमगादड़ों ने इसमें अपना डेरा जमा रखा है। सबसे बड़ी बात है कि जो रूम है वो आज के नॉर्मल रूम से भी बहुत बड़े हैं। यहाँ पर शूटिंग हुई थी, यहाँ पर इस पूरे गलियारे के अंदर कैमरा ऐसे पूरे उस पूरे इस गलियारे में घुमा था। इसे एक सीन है जिसमें कबूतर भी उड़ते हैं, वो जो भाभू होती है उसमें शायद वो ऐसे भाग के आती है, तो वो सारा जो दृश्य है वो इसी में फिल्माया गया था। सबसे अच्छी बात मुझे यार पहले के ज़माने की लगती है कि मतलब पूरा ओपन स्पेस हवेली होने के बावजूद भी पूरा जो ओपन स्पेस हुआ करता था, एक रूम के अंदर दूसरे रूम का दरवाजा, दूसरे के अंदर तीसरे का, ऐसे पूरा मतलब मिक्स था पूरा। और ये सीढ़ियाँ नीचे जाने की, अच्छा उधर वाली सीढ़ियाँ होंगी। ये पूरा खराब हो रखा है रूम फिलहाल तो, क्योंकि बहुत सालों से यहाँ कोई रहा नहीं है। ये पूरी जो हवेली है ये बंद है, कबूतरों ने इसका पूरा। और जो देख सकते हैं इस रूम के अंदर जो ऊपर वाला है, यहाँ पर शायद जो कुछ सामान वगैरह रखने के लिए उसको बनाया होगा। और ये इस साइड भी ऐसा है एक, और सबसे अच्छी बात तो है कि हर एक रूम को अच्छे से वेंटिलेटेड किया गया है। ऊपर जैसे ये जालियाँ बना दी, एक ही रूम के तीन तीन गेट हो गए, उसके उस साइड फिर वो बालकनी आ गई, दो गेट ये हो गए, तो हवा की तो कोई कमी नहीं थी इनके अंदर। दोस्तों ये अब ये जो देख रहे हो आप, ये जो अब इन्होंने बंद कर रखा है, ये एक खुफिया दरवाज़ा था जो उस पीछे की साइड से और यहाँ पे आने का दरवाज़ा हुआ करता था, अब फिलहाल इन्होंने बंद कर रखा है। ये जो हवेली है इसका निर्माण किसने कराया था? देवदास भगत, भक्तों की हवेली है ना, तभी उसको भक्तों की हवेली के नाम से जाना जाता है। हरदेवदास जी भगत जी ने इस हवेली का कहाँ पे अच्छा, जैसे कि उन्होंने बताया अभी हमारे यहाँ एक पास में एक जोड़ है जिसके अंदर पूरा डिटेल से लिख रखा है कि कब बनाई गई थी, किसने बनाया था। वैसे हरदेवदास जी भगत जिन्होंने बनाया था इस हवेली को उनका नाम है, और ये कब बनी थी इसका तो इनको भी नहीं पता, क्योंकि ये इनके भी दादा परदादा यहाँ काम करते आ रहे हैं। किसी एक रूम में घुस जाओ बस, आप अपने आप किसी न किसी कहीं न कहीं अपने आप निकल जाओगे। सबसे मस्त बात तो मुझे सहेली की लगती है, वह बिल्कुल ओपन
इधर से घुसो उधर से निकलो। इसमें यार गजब छोटे छोटे विंडोज बनाई गई थी उस समय, और सबसे खास बात है कि ये विंडो है, उसके बाद उसके जो सामने दूसरी विंडो है, उसके जो सामने वो गेट है। हर चीज़ को बिल्कुल कलाकारी से और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया था। अब ये तो पिलर्स उन्होंने लगा रखे हैं, ये पिलर्स इस समय तो इतने ऊंचा रखना ही बहुत मुश्किल बात है। उन्होंने उस समय इसको इतना ऊंचा कैसे रखा होगा यार। हमारे हिंदुस्तान में से पता नहीं कितनी ऐसी धरोहर है जो यूं ही वीरान पड़ी है। ये यहाँ पे कुछ इन्होंने डिजाइन से बना रखी है। हवेली का जो फर्स्ट फ्लोर है, इसके ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है, इसके ऊपर भी एक बाउंड्री बनी हुई है, रूम्स की बाउंड्री। ये रूम्स के चारों ओर की बाउंड्री है, जिसमें ये वाली है, ये तो सारी खिड़कियां हैं जिनमें बाहर की तरफ गेट खुलता है, और ये सारे ये इसको बैठक, ये बैठक है। ये एंड तक यहाँ पर ये शायद किसी रूम का है। कुछ रूम इसमें ऐसे भी हैं जो थोड़े खूफी हैं, जिनको खोलने के लिए मना किया गया है। लेकिन थोड़ा मुश्किल है इसे खोलना। बिल्कुल जाम हो रखा है। सो यहाँ पे जो पहले लोग रहते होंगे यार, वो सच में कमाल की जिंदगी जिया करते थे। उन्होंने अपने अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बनवाई हैं जिनका आज तक भी लोग यूज़ करते आ रहे हैं, और अब ये विश्व धरोहर के रूप के अंदर यहाँ पर विराजमान हैं। सलाम है उनकी इस कलाकृति को और इस मेहनत के इस बेजोड़ नमूने को। सो ये था इस हवेली का सफ़र, भक्तों की हवेली। सो गाइस, मैंने भी आज फाइनली इस हवेली को अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है, और ये मेरी बहुत ही मतलब बचपन से इच्छा थी इस हवेली को घूमना, जबकि मैं बिल्कुल यहाँ पास रहता हूँ, लेकिन फिर भी आज तक नहीं घूम पाया, और लोग यहाँ पर बाहर से आकर इस हवेली को देख के जाते हैं। वैसे जो हवेली है ये, इसका शायद किसी बुक्स में आपको जिक्र नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ के जो पुराने सेठ लोग थे वो नहीं चाहते थे कि इस हवेली का कहीं किसी बुक में या फिर किसी को भी पता चले, क्योंकि बिल्कुल खुफिया तरीके से बनाई गई थी। लेकिन आज इस हवेली को सब लोग जानते हैं, और अब तो ये बुक्स में भी आने लगा है, क्योंकि ऐसे कवाटी की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी हवेली है। इसमें तकरीबन 150-200 के आसपास इसमें। सो इस हवेली को घूमने के बाद यार सच में आज का मेरा पूरा दिन ही बन गया है, क्योंकि ये अपने आप में एक बेजोड़ और बहुत ही कलाकारी से बनाई गई हवेली है। इसके अंदर कुछ अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मैं नहीं घूम पाया हूँ, और जहाँ पर अभी वो अलाउ भी नहीं है अंदर जाना, खुद भी नहीं जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ी डेंजरस हो सकती है। सो अभी मैं इस हवेली के जो पहला पार्ट है उसमें खड़ा हूँ, और मैंने दोनों पार्ट को अच्छे से एक्सप्लोर किया है, बल्कि उनके रूम्स में नहीं गया हूँ, क्योंकि जो सेकंड पार्ट है उसके रूम में जाना थोड़ा खतरे से खाली नहीं था, और मैंने आपको वीडियो में दिखा भी दिया है कि किस तरीके से वहाँ पर जो मधुमक्खियाँ उन्होंने अपना कब्जा कर रखा है, कमरे हैं। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।